हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी में। आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ दांतों में लगे हुए कीड़े गंदगी से मिनटों में छुटकारा पाए। आइए जानते हैं इसके बारे में। आज मैं एक ऐसे समस्या के बारे में बात करूँगी जिससे लगभग बहुत सारे लोग ग्रसित है। पहले ये समस्या या तो बचपन में या तो बुढ़ापे में होती थी। जब आपकी एज 50 साल से ऊपर होती थी तो ये प्रॉब्लम होना नेचुरल सा था, लेकिन आज की लाइफ में यही प्रॉब्लम आपको टीनेजर्स के अंदर भी देखने को मिलता है और 25 से 30 साल के उम्र में भी ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में देखा जा रहा है। वो प्रॉब्लम है मसूड़ों का या दांतों का या हमारे दाढ़ दांतों का खराब होना और उनमें कीड़ा लगना और उस वजह से हमारे दांतों का जल्द ही टूटकर बाहर निकल जाना। आपने अक्सर देखा होगा 3 या 4 सदी पहले के जो लोग हैं, या आपने सुना होगा कि ये जो दांतों के गिरने की प्रॉब्लम होती थी ये बुढ़ापे की स्टेज में जाकर होती थी, लेकिन कुछ सदियों से ये प्रॉब्लम बहुत तेजी के साथ सभी के साथ पैदा हो रही है। इसके कई सारे रीजन है। पहला रीजन है कि जब से टबैको प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है उसी वक्त से ज़्यादातर लोगों को दांतों की प्रॉब्लम हो रही है। दूसरा मेन रीज़न है कि आजकल खान पान में फास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक्स ठंडी गर्म चीज़ों का सेवन ज़्यादातर किया जा रहा है, उसकी वजह से भी उसका सीधा सीधा इफेक्ट हमारे दांतों पर होता है और हमारे दांत गलना शुरू हो जाते हैं और उसके बाद वो धीरे धीरे उनमें कीड़े लगना शुरू हो जाते हैं और फिर दांत गिरकर बाहर हो जाते हैं। तीसरा जो मेन रीजन है दांतों का खराब होने का कि प्रॉपर तरीके से अपने दांतों की सफाई ना कर पाना, क्योंकि आजकल खाने पीने की वजह से और ज़्यादातर लोग कोई ना कोई आदमी किसी न किसी फॉर्म में टबैको प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करता ही है। मैक्सिमम लोग टबैको प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो पान खाए, गुटखा खाए या बीड़ी सिगरेट या हुक्का पिए, किसी न किसी फॉर्म में टबैको प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल होता है और इसका सीधा सीधा असर हमारे दांतों पर होता है। प्रॉपर सफाई ना होने की वजह से जो खाना खाने के बाद कुछ रेशे हमारे दांतों में चिपके रह जाते हैं। मीठी चीज़ों के सेवन करने के बाद आपको ब्रश कर लेना चाहिए, क्योंकि कुछ रेशे आपके दांतों में फंसे रह जाते हैं, या फिर टबैको प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने के बाद भी आपको ये समस्या हो सकती है। कुछ बातों का ध्यान रखने से आप इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपके दांतों में दर्द होती है या कीड़ा लग चुका है और कीड़ा लगने से आपके दांत खराब होते जा रहे हैं, पीलापन आपके दांतों में बढ़ता जा रहा है, तो आज मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताने वाली हूँ और उसका यूज़ करने के बाद आप अपने दांतों के कीड़े को बाहर कर सकते हैं और आपके दांत परफेक्ट हो जाएंगे। सबसे पहले अगर आपके दांतों में दर्द हो रहा है, बेइंतहा दर्द हो रहा है, तो सबसे पहले आप पानी को गुनगुना करके उसमें आधा चम्मच नमक मिला लें और उस नमक के पानी से आप कुल्ला करें। इसके बाद उस पानी को फेंक दें। इससे आपके दांतों का दर्द बहुत ही जल्द कंट्रोल हो जाएगा। इसके अलावा 4-5 लौंग को बारीक करके पीस लें। उसके बाद उस पाउडर को आप दांत के जहां पे कीड़ा लगा है वहां रख दें और उसे दबा के अंदर रख दें। इसके बाद आपके मुंह में जो पानी आएगा उसे बाहर ना निकालें, उसे 5 से 7 मिनट के लिए वैसे ही दबाए रखें। आप देखेंगे, आप फील करेंगे कि आपके दांतों का दर्द भी ठीक हो जाएगा और जो दांतों में लगा कीड़ा है वो उस लार के थ्रू बाहर निकल आएगा। अगर आप ये प्रोसेस नहीं कर सकते हैं तो आप लौंग का तेल, जो कि मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, ले सकते हैं। इसके बाद लौंग के तेल को रुई की सहायता से भिगोकर अपने दांतों में लगाकर रखें। कुछ देर बाद उसे निकाल कर फेंक दें। इसके अलावा सेंधा नमक या फिटकरी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सेंधा नमक को बारीक करके पीस लें। इसके बाद आधा चम्मच सेंधा नमक पाउडर को आधा चम्मच सरसों के तेल में मिक्स कर लें और उस पेस्ट को अपने दांतों पर आहिस्ता आहिस्ता मले। ये प्रोसेस आप हफ्ते में 2 से 3 बार कर सकते हैं। अगर आपके दांतों में कीड़ा लगा हुआ है तो वो भी खत्म हो जाएगा, और अगर नहीं लगा है ये आपके दांतों का दर्द भी दूर करेगा
और साथ ही आपके दांतों को सफ़ेद भी बनाएगा। अगर आपको ज़्यादा पेन हो रहा है तो सबसे पहले नमक के पानी से कुल्ला कर लें। इसके बाद इन दोनों में से किसी एक नुस्खे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ध्यान रहे कि ब्रश का प्रयोग करने से पहले उसे गुनगुने पानी से जरूर धोएं। आपने अक्सर देखा होगा कि ब्रश को बाहर ही छोड़ देते हैं और उसमें कुछ गंदगी भी जमा हो जाती है, क्योंकि धूल मिट्टी आती ही रहती है। इसलिए आप अपने ब्रश को कवर करके रखें और जब भी इस्तेमाल करें तो उसे पहले गुनगुने पानी से धो लें। इसके अलावा खाना खाने के बाद कुल्ला जरूर करें और प्रॉपरली कुल्ला करके पानी को फेंक दें। जैसे हम ब्रश सुबह के समय करते हैं, वैसे ही अगर हम शाम के समय भी करते हैं तो ये हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है। पूरे दिन में जो हमारे खाने के रेसे दांतों में फंसे रहते हैं या टोबैको प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं या धूम्रपान करते हैं, वो सभी गंदगी रात को सोने से पहले अगर हम ब्रश कर लेते हैं तो वो गंदगी साफ हो जाती है। ब्रश करने के लिए कम से कम 2 से 5 मिनट का समय जरूर लगाएं। फॉर्मेलिटीज़ के लिए 1 मिनट के अंदर ही ब्रश कर लेते हैं, इससे दांतों की सफाई नहीं हो पाती। और हमेशा सॉफ्ट ब्रश का ही प्रयोग करें। ज़्यादा तेज़ी से ब्रश करने से हमारे मसूड़ों की नसें कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से दांतों का टूटने और झड़ने जैसी प्रॉब्लम भी आ जाती है। मीठी चीज़ों का सेवन कम से कम करें। मीठी चीज़ों का सेवन करने के बाद तुरंत ही कुल्ला ना करें, कुछ देर बाद ही कुल्ला करें, क्योंकि ऐसा करने से ठंडापन आपके दांतों में महसूस होता है, जिससे दांत कमज़ोर हो जाता है। लेकिन कुल्ला करना बहुत ही ज़रूरी है, इसीलिए मिठाई खाने के कुछ देर बाद आप कुल्ला कर सकते हैं, क्योंकि मीठी चीज़ों से हमारे मुंह के अंदर के बैक्टीरिया उस मीठे कण को निगल कर एसिड क्रिएट करते हैं और उसी से फिर कीड़ा बनता है। इसलिए किसी भी मीठे चीज़ को खाने के बाद आप कम से कम 5 या 10 मिनट बाद कुल्ला ज़रूर करें, लेकिन तुरंत ना करें। जब भी आप खाना खाएं तो खाना खाने में सैलेड का इस्तेमाल यानी सलाद का इस्तेमाल ज़रूर करें और इसमें प्याज का सेवन, कच्चे प्याज का सेवन जरूर करना चाहिए। इससे मुंह के जो गंदे बैक्टीरियाज होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और हमारे दांतों में कीड़े लगने की जो समस्या है वो भी बहुत कम हो जाती है। हो सके तो ब्रश की जगह आप नीम के दातवन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम का दातवन एक बहुत ही नेचुरल तरीका है हमारे दांतों को साफ करने का, और ब्रश के थ्रू जो भी बैक्टीरियाज हमारे दांतों में रह जाते हैं या मुंह में रह जाते हैं, नीम के दातवन के थ्रू ये सारे निकल जाते हैं। गुटखा, पान मसाला या किसी भी तरह का अगर आप टोबैको प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं तो आप उनका सेवन कम से कम करें या फिर ना करें। अगर आप उनका सेवन करते हैं तो आप रात में ब्रश जरूर करके सोएं। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आपको कभी भी दांतों की समस्या नहीं होगी। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी परेशानी का हल ढूंढ रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपकी प्रॉब्लम हमारे सॉल्यूशन के साथ। मैं आऊँगी रोजाना नए नए घरेलू उपचारों के साथ, जिससे आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तब तक के लिए फिट रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। थैंक यू।